हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए घटना चक्र 2 बुक के जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होगा। ठीक है, अब इसमें जो है दो प्रैक्टिस सेट हैं बस, तो आपको हम एक रोज के अंदर आपको ये भी करा देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। देखिए, आज आपका जो है 5 बजे जो है आपका शहर और आपका किस शिफ्ट में है और कितने बजे से कितने बजे परीक्षा रहेगी, ये आज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन एडमिट कार्ड जो है एग्जाम जिस दिन आपका रहेगा उसके 3 दिन पहले मिलेगा। ठीक है भाई, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, ये आपको बताना है भाई। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए करें टेसु, गुलाब, नीलकमल या चंपा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेसु। ठीक है, पलाश जो है आपका याद रखना, ये भी या पलाश ऑप्शन में रहेगा या टेसु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। राजकीय पशु आप जानते हैं बारहसिंघा है, राजकीय पक्षी जो है सारस या क्रौच है, राजकीय वृक्ष जो है अशोक है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, करें कि सुरहा ताल पक्षी बिहार स्थित है, आपको बताना है सुरहा ताल पक्षी बिहार कहाँ है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ है भी, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बलिया जिले में। ठीक है, सुरहा ताल पक्षी बिहार कहाँ है, बलिया जिले में। ठीक है, इसे जयप्रकाश नारायण पक्षी बिहार ठीक है भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी स्थापना आप जानते हैं 1991 में और यह जो है 34.32 वर्ग किलोमीटर में फैला है। प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो ये आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, परीक्षा बांध जो है कहाँ है, ये झांसी में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की परीक्षा बांध जो है झांसी बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, और ये बेतवा नदी के कहाँ, हमीरपुर जिले में यमुना नदी जो है यहाँ पे मिल जाती है, बेतवा नदी यमुना में। ठीक है, कहाँ मिलती है, हमीरपुर में। तो आपसे ऐसे भी पूछा जाएगा कि बेतवा नदी कहाँ मिल जाए, किस जिले में मिलती है और किस नदी से, यमुना नदी से। राइट आंसर ए हो जाएगा आपका, ए नंबर बेतवा नदी पर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध जो है किस नदी पर है, बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा नदी जो हमीरपुर में यमुना में मिलती है। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत कौन सा है, ये आप बताइए भी। तो उसमें जानते हैं आप, रसिया है, कजरी है, आला है, बिरहा है, चैती है, ढोला है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिरहा, चैती, ढोला। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, नहीं वाला आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, देखिए जल विहार का मेला कहाँ लगता है, बुंदेलखंड में, ये बिल्कुल सही है। करें बटेश्वर का मेला कहाँ लगता है, पश्चिम माचल में, बिल्कुल सही है। बलदेव छठ का मेला करें पूर्वांचल में, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में, ये आपका सही है। लेकिन ऑप्शन सी जो है, बलदेव छठ का मेला जो है पूर्वांचल में नहीं लगता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो बलदेव छठ का मेला जो है जेवर नोएडा पश्चिमांचल में श्री दाऊ जी मंदिर पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये आपको भी ध्यान रखना है। अगला है, अपने समय के चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक हैं, तो ये आपको बताना है कौन है। राइट आंसर आपका यहाँ सी हो जाएगा, अब्दुल बिस्मिल्लाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। करंट प्रश्न, मार्च 2024 में केंद्रीय संचार, रेल और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डाक विभाग में कार्यरत कितने ग्रामीण डाक सेवकों की सेवा शर्तों में सुधार और सेवा में ठहराव को दूर करने के उद्देश्य से एक वित्तीय उन्नयन योजना का शुभारंभ किया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2.56 लाख से अधिक। अप्रैल 2024 में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने कहा द कुलिस स्कूल का उद्घाटन किया है, द कुलिस स्कूल का उद्घाटन किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के जयपुर में, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। मार्च 2024 में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने किस नेपाली शहर को नेपाली
नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया है, तो किसको किया गया है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोखरा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो मार्च 2024 को नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड, नाम भी इनको याद रखना है, पोखरा शहर को जो है नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। ठीक है, एएफसी महिला एशिया कप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? देखिए, खेलों के जो आयोजन हैं आपसे पूछा जा सकता है कि किस 2026 में 2028 में क्या क्या होगा, तो ये आप समझ देख लीजिएगा। तो ये कप कहाँ खेला जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। और 2029 में कहाँ खेला जाएगा? उज्बेकिस्तान मेजबानी करेगा। ठीक है, तो ये 26 वाला आप जरूर याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये आपको देना है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ जो है महिला कप 2026 का ऑस्ट्रेलिया में जो है, ऑस्ट्रेलिया जो है इसका मेजबान देश रहेगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल, देखिए भीष्म क्यू, ये भी आप रखना है, याद रखना है, का परीक्षण किया गया है, तो बताइए ये कहाँ पर किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंस है क्योंकि यूपी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आगरा में। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल यहाँ ध्यान रखना है, तो इस एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल का नाम भी याद रखना है, भीष्म क्यूब का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगला कहने की वांडा डायमंड लीग 2024 में भारत के नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी तक भाला फेंक कर रजत सिल्वर पदक जीता था, भाई बताइए, काफी चर्चित थे, राइट आंसर हो जाएगा, तो ये कितने फेंके थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 88.36 मीटर। अगला है, किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्त अल्पता रोग एनीमिया होता है, ये आपको बताना है। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन B12। किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था? किसने किया था समाप्त? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबर ने। भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेंट्रल असेंबली बम कांड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाता है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में किसे जाना जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर, उड का डिस्पैच। जीएसटी परिषद के केंद्र सरकार के वोट की भारिता क्या है, वेटेज क्या है? यहां पे आपको सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुल मतों का 1/3। ठीक है, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत के आकस्मिकता कोष से अग्रिम प्रदान करने का अधिकार किसके पास है? ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास, अनुच्छेद 267 में। प्रति बूंद अधिक फसल पर ड्राफ मोर क्रॉप किस योजना का एक घटक है? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। एक सीमा पार निवेश जहां एक वैश्विक कंपनी किसी दूसरे देश में एक स्थापित स्थानीय कंपनी को खरीदती है और इसे एक सहायक व्यापार बनाती है, वो कहलाता है, क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय अधिग्रहण। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले किसी भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ की स्थिति को कहा जाता है? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर इसका सही कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाता है। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? तो सिक्किम में कौन सा दर्रा है भी?
तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाथुला। किस जीवाश्म ईंधन को बरिड सनशाइन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर आपका यहां राइट हो जाएगा डी नंबर, कोयला को। ग्वादर बंदरगाह में स्थित है, तो ये देखिए ग्वादर बंदरगाह बहुत ही चर्चित था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, पाकिस्तान में। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए राज्य का पूछा है, केंद्र का पूछेगा तो प्रधानमंत्री, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए आपका आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य के मुख्यमंत्री, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और जिला आपदा प्रबंधन का प्राधिकरण कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये आपका किस जिले में है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कानपुर में, ठीक है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। 1971 में डिजाइन किए गए स्पेस को आमतौर पर पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि पहला कंप्यूटर वायरस कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रीपर। RAW पूर्ण रूप क्या है? यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहां पर बनाने की योजना है? तो ये कहां पर बनेगा भाई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोथल, ठीक है। ये एक बंदरगाह भी है और हड़प्पा सभ्यता का स्थल भी है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22 मार्च को। क्या मनाया जाता है अभी? विश्व जल दिवस 22 अप्रैल को कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, ठीक है। पट्टेदारी और भूमि राजस्व के संबंध में कानून निर्मित का संवैधानिक अधिकार के पास होता है, तो ये किसके पास होता है? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, केवल राज्य सरकार के पास। राजपत्रित अधिकारी माल खाने का निरीक्षण और निर्धारित रजिस्ट्रारों की जांच पड़ताल कर उन पर हस्ताक्षर कितने अवधि के अंतराल पर करेगा? तो ये तिमाही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तिमाही। निम्नलिखित में कौन से सेवा से वंचित अपराध माना जाता है? देखिए कनेक्ट नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं की भरमार होना जिससे वैध नेटवर्क ट्रैफिक रुक जाता है, ये आपका माना जाएगा। और है इंटरनेट कनेक्शन में बाधा डालना, ठीक है। ये अगला सी नंबर, जानबूझकर कंप्यूटर सिस्टम में कोई वायरस डालना, ये नहीं होगा। तो देखिए ए और बी आपका राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र में स्थित है, तो ये कहां पर है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नई दिल्ली में, ठीक है। तो राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श स्पेस से लिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा, रूसी क्रांति की, ठीक है। तो रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में, ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपयुक्त विधायिका संसद या राज्य विधायिका को भूमि सुधार से संबंधित विवादों के न्याय निर्णायक के लिए एक न्याय न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 323 बी। संसदीय अथवा स्थानीय सरकार के चुनाव नतीजों की वैधता परखने के लिए जांच प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चुनाव याचिका। अब देखिए आपका हिंदी का पार्ट शुरू हो रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो ये आपको बताना है, कहें खेत, उद्गम, दर्शन, कोर्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उद्गम जो है आपका तत्सम शब्द है, ठीक है।
ये सब खेद दर्शन, ठीक है, ये आपके क्या हैं, तद्भव हैं। और कोड जो है ये विदेशी शब्द है, ठीक है। और खेत का जानते हैं, तस्म क्या होता है, क्षेत्र होता है, ठीक है। और ये दर्शन ये ऐसे लिखा रहेगा तो इसको आप कहेंगे तद्भव, ठीक है। मृतिका शब्द का तद्भव रूप है, मृतिका शब्द का तद्भव रूप बताना है। ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मिट्टी, ठीक है। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राजभाषा के रूप में, ठीक है। तो भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है संविधान के अनुच्छेद 343 I, ठीक है। आई जो है के अनुसार जो है भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि कैसी होगी, देवनागरी होगी। कह रहे कि तालब, महाप्राण, घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, तालब में आपका कौन सा आएगा, चा, छा, जा, झा और ई आएगा, ठीक है, ई आएगा। तो अब बताइए इसमें से, देखिए ये आपका, ये तो कंठ वर्ग हो गया, कट जाएगा, और ये तीन बचे। तो अब इसमें देखना है आपको महाप्राण, तो महाप्राण में हर वर्ग का कौन आता है, दूसरा और चौथा। देखिए दूसरा लेंगे और भाई चौथा आएगा, तो इसमें छा और झा दोनों हैं, तो इया तो आपका कट गया। अब बताइए भाई कौन सा हो जाएगा। देखिए घोष जो है हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा आता है, तो तीसरा चौथा, देखिए चौथा मतलब झा होगा, ठीक है। क्या होगा भाई, झा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, सी नंबर। अगला देखते हैं, किस बोली में ने उपसर्ग लगाया जाता है, ठीक है, जिसे कारक चिन्ह भी कहते हैं, विभक्ति भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खड़ी बोली में जो है ने चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। खड़ी बोली का विकास किससे हुआ है, सौर सैनी अपभ्रंश से। निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द कौन सा जोड़ा सही नहीं है, नहीं वाला आपको पहचानना है। देखिए कहने कमल, अंबु, आब। देखिए झंडा, ध्वज, पताका, बिल्कुल सही है। दांत, दंत, रदन, सही है। चांद, राकेश, शशि, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे गलती है, तो ऑप्शन ए वाला जो है सुमेलित नहीं है। कमल जो है ये जो है अंबु आब जो है ये इसके पर्यायवाची, कमल के जो है अंबु और आब जो है इसके पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो अंबु तथा आब जो है ये जल के समानार्थी है, ठीक है। अनुचित विकल्प का जोड़ा कौन सा है, ये आपको चुनना है। देखिए अनुराग का विराग, ये विलोम है, ठीक है, सही है। कटु का मधुर, बिल्कुल सही है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए उन्नत का विलोम आप जानते होंगे क्या होता है, औन्नत होता है, औन्नत होता है, लेकिन यहाँ पे उन्नति दिया है, गलत है। ऑप्शन बी ही जो है सही, अनुचित है, अनुचित मतलब सही सुमेलित नहीं है। इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, नहीं वाला आपको बताना है। देखिए देखिए अनुसंधान होता है, जिज्ञासा होता है, तलाश होता है, लेकिन इच्छा पूर्ति नहीं होती। ऑप्शन डी आपका जो है सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पूर्व दिशा के लिए इनमें से प्रयुक्त शब्द कौन सा है, ठीक था, ये आपको बताना है, ठीक है। पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। देखिए चार दिशाएं हैं ये आपका, ये आप जानते हैं इनके सबके नाम क्या है। देखिए उत्तर को क्या कहते हैं, उदीची कहते हैं, उदीची, ठीक है। और पूर्व को क्या कहते हैं, प्राची कहते हैं, ठीक है, प्राची। और भाई दक्षिण को अवाची, और पश्चिम को प्रतीची कहते हैं। तो ये आप चुन लीजिए क्या पूछा है पूर्व का, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, प्राची। आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य छांटे। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर देखिए डी हो जाएगा, आप निसंकोच चले जाइए, ठीक है, ये आपका शुद्ध होगा। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, यहां पे आपको बताना है। विद्या वाचस्पति का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है। ऑप्शन ए हो जाएगा विद्या वाचस्पति, ठीक है, ऑप्शन ए आपका शुद्ध है। गुणवान का स्त्रीलिंग क्या होगा बताइए, तो
तो गुणवान का स्त्रीलिंग कौन सा शब्द होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुणवती होगा। करें कि लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है? देखिए यहां पे जब या आता है तो क्या आ जाता है? चंद्रबिंदी आ जाती है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लुटिया। ठीक है, हनुमान ने, देखिए हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए वाक्य में ही की गई त्रुटि का आधार पहचानिए। करें कि विशेषण संबंधी है, वचन, लिंग या कारक, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर के लिए नहीं आएगा, ठीक है, के लिए के स्थान पर क्या आएगा? को आएगा। ठीक है, को आएगा, तो कारक संबंधी त्रुटि है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश लाए। कहने की कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है बताइए? तो ये कहाँ है? कोई मतलब कौन सा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनिश्चित वाचक सर्वनाम विशेषण। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सर्वनामों की संख्या आप जानते हैं, भेद कितने हैं? 6। कुल कितने हैं? 11। ठीक है, मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण है? देखिए 10वीं नंबर आया है तो संख्या को बताएगा। ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संख्यावाचक। कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ठीक है, तो थोड़ी सी, तो कैसा है ये आपका राइट आंसर? देखिए क्रिया विशेषण के 4 भाग हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बता रहा है, थोड़ी सी। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? ये आपको बताना है। देखिए राइट आंसर ए हो जाएगा, हेतु हेतु मद भूतकाल है। ठीक है, यहां पे ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हेतु हेतु मद भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हो सकी। ठीक है, खैर मुख्यमंत्री ने घोषणा की वाक्य में वाक्य को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा? तो आपको इसको कैसे बदलना है? कर्मवाच्य में बदलना है। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। प्रातःकाल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग आप जानते हैं मूल शब्द के पहले लगता है, तो काल जो है मूल शब्द हो गया, प्रातः जो है आपका उपसर्ग हो गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो बह जो है मूल शब्द हो गया और प्रत्यय जो है मूल शब्द के बाद में लगता है, तो आव जो है इसका प्रत्यय हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अग्नेय शास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अग्नेय प्लस अस्त्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। कहने की सुपुरुष में कौन सा समास है? ठीक है, सुपुरुष में कौन सा समास है? तो इसका समास विग्रह करेंगे तो सुंदर है जो पुरुष, तो ये आपको हमने बताया है कि ऐसा समास जिसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से या अथवा संज्ञा होता है, तो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो मनुष्य की यहाँ विशेषता बताई जा रही है, तो इसमें कर्मधारय हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? किसमें हुआ है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। मिश्र बंधु 3 हैं, देखिए यहाँ पे गणेश बिहारी, ये अल्पविराम है, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ठीक है, तो ये आपका जो है सही हो जाएगा। खल की दवा पीठ की पूजा, ठीक है, खल की दवा पीठ की पूजा दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रस्तुत लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, दुष्ट लोग पीटने से ही क्या होते हैं? ठीक रहते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां अस्थाई भावों को उद्दीपन या जागृत करती हैं, उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा, उन्हें विभाव। ठीक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां सही हो जाएगा।
अब देखते हैं, देखिए 64 से 68 ये गद्यांश है, ठीक है, तो इसको आप देखिएगा, हम करेंगे 65 से। यहाँ से प्रत्येक, देखिए यहाँ खाली स्थान भरता है, दिखाता है कि आपस में, यहाँ भी भरना है, से रहो, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए सही का चयन करके प्रस्तुत वाक्य पूर्ण कीजिए। देखिए प्रत्येक क्या आएगा, धर्म आएगा, यहाँ धर्म भरेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या, भाई चारा भर देंगे, ठीक है, भाई चारा, भाई चारे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। करें कि किस कृत के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अमृत और विष के लिए, ठीक है, ये 1967 में इनको मिला था, ठीक है। करें कि का ख ग पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था, तो ये ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा डी नंबर, इलाहाबाद प्रयागराज से, ठीक है। इसके प्रकाशक कौन कौन थे भाई, रघुवंश थे, लक्ष्मीकांत वर्मा थे, रामस्वरूप चतुर्वेदी रहे हैं, ठीक है। बाद के वर्षों में जो है ये लक्ष्मीकांत वर्मा इस पत्रिका का संपादन लखनऊ से करने लगे थे। इनमें से अपेक्षा पत्रिका का संपादक कौन थे, तो ये कौन थे भाई, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेज सिंह थे, ठीक है, ये तेज सिंह थे, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या था, डॉक्टर तेज पाल सिंह, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था, तो ये किसको अपनाए थे, राइट आंसर आपका यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवधी। इनमें से आलवार महिला संत का नाम क्या है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां सही हो जाएगा। ये राबिया कौन थी, राबिया जो है ये अरबी सूफी संत थी, ठीक है, और गार्गी अपाला ये वैदिक कालीन क्या थी, विदुषी थी। कहने की अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है, तो अंचल जो है किस साहित्य का उपनाम है, ये रामेश्वर शुक्ल का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। इनका जन्म जो है 1915 में जो है फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। इनकी प्रमुख प्रमुख जो रचनाएं हैं, आ पराजिता, किरण बेला, बरसात के बादल और विराम चिन्ह, ठीक है। तो इस प्रकार आपके पूरे हो जाते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज जो है आपका एडमिट कार्ड और सिटी और शिफ्ट आपको पता चल जाएगा, ठीक है, 5 बजे के बाद, ठीक है। तो शायद 5 बजे खुले भी नहीं, आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि सभी लोग 5 बजे डट जाएंगे, तो भाई वेबसाइट थोड़ा स्लो चलती है, तो नहीं खुलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।